डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके उर्दू की टीचर मिस रुबीना। आज आपको ग्रामर में हम फेले मारूफ और फेले मजहूल के बारे में बताएंगे। बेटा हम बताएंगे आपको फेल की अकसाम बलिहाज़ फ़ाइल। तो फ़ाइल किसे कहते हैं बेटा, पहले वो सुनिए। फ़ाइल वो इस्म होता है जिसके ज़रिए काम का होना या करना दिखाया गया हो। फ़ाइल वो इस्म है जिसके ज़रिए काम किया जा रहा हो। मिसाल के तौर पर असलम किताब पढ़ रहा है, तो इस जुमले में असलम जो है वो फ़ाइल है, यानी कि असलम किताब पढ़ रहा है, असलम फ़ाइल है, असलम के ज़रिए कोई काम हो रहा है यानी कि वो किताब पढ़ रहा है। नौशीन होमवर्क कर चुकी है, तो होमवर्क कौन कर रहा है, नौशीन। तो नौशीन के ज़रिए होमवर्क हो रहा है, तो नौशीन क्या है, फ़ाइल है। बारिश बहुत तेज़ है, तो इसमें बारिश जो है वो फ़ाइल है। राशिद ज़ोर से हंसा, तो कौन हंसा, तो वो राशिद जो है वो फ़ाइल है। एक घोड़ा सर पर दौड़ा, तो इसमें जो है घोड़ा वो फ़ाइल है। आपको फ़ाइल के बारे में तो पता चल ही गया होगा बेटा कि जिस इसम के ज़रिए काम हो रहा हो वो फ़ाइल कहलाता है। और फ़ाइल के लिहाज से फ़ेल की दो किस्में होती हैं, फ़ेले मारूफ और फ़ेले मजहूल। फ़ेले मारूफ वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम हो, जैसे शाहिद ने ख़त लिखा, पाकिस्तान ने मैच जीता, घर में अंधेरा है। तो बेटा इसमें फ़ेले मारूफ, शाहिद, पाकिस्तान, घर, ये क्या है, फ़ाइल है। और फ़ेले मजहूल बेटा वो फ़ेल है जिसका हमें फ़ाइल मालूम नहीं होता, जैसे ख़त लिखा गया। ख़त लिखा गया, अब किसने लिखा, कहाँ से लिखा, कहाँ लिखा गया, इसमें कोई भी ये बात वाज़े नहीं है, तो ये मजहूल है, फ़ेले मजहूल है। फ़ेले मजहूल वो फ़ेल होता है जिसमें फ़ाइल मालूम नहीं होता। ख़त लिखा गया, किताब पढ़ी गई, शामियाना लगाया गया, ये सब क्या है, फ़ेले मजहूल है, इसमें हमें फ़ाइल के बारे में नहीं मालूम। उम्मीद करती हूँ आपको फ़ेले मारूफ और फ़ेले मजहूल के बारे में समझ आ गया होगा। बेटा ग्रामर का जो काम इस टॉपिक के लिहाज से दिया जा रहा है वो कॉपी में लाजमी नोट डाउन करें। शुक्रिया।